अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है। कुर्सी बचाने के तौर तरीके क्या हो, उसी में वो डूबे हुए हैं, और इसी के कारण आज देश के लिए वो कुछ सोच पाएंगे। डॉलर के सामने रुपया ताकत के साथ खड़ा हो, इसके लिए कोई योजना कर पाएंगे, ये तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। पिछले तीन महीने में जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, और दूसरी तरफ तीन महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे, और तब जाकर के देश को चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है।